कि नरेंद्र मोदी और संजय जोशी हाँ कहाँ कांटा फंसा है कि मतलब श्रीपाद नायक का सहयोगी संजय जोशी के पोस्टर लगवा देता है तो उसको बर्खास्त करने के लिए डिक्टेट जारी हो जाता है। देखिए मैंने पहली किताब में भी ये इस बात की जिक्र की है कि संजय जोशी 2012 में उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी बनते हैं और मैं था उस स्थान पर, मैं बाहर बैठा था, गडकरी जी तब अध्यक्ष थे, मैं बाहर अपॉइंटमेंट के लिए मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं फ़ोन पर सुन रहा था, गडकरी जी मोदी जी को कह रहे थे प्लीज़ एक बार तो आइए यूपी, आपके रैलीज हमने ऑर्गेनाइज़ किए, कैंपेन में जाइए। मोदी जी जो 2012 में एक तरह से बड़े नेता तब भी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, जब तक संजय जोशी प्रभारी है मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक भी रैली के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं गए बॉस। वही उत्तर प्रदेश जो बीजेपी को लगातार 2014 और 2019 में बड़ी जीत दिलवाई, वहां उत्तर प्रदेश में नहीं गई क्योंकि जोशी जी और उनका 36 का आंकड़ा कई सालों तक है, दोनों एक तरह से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, दोनों गुजरात में संगठन मंत्री रहे। मोदी जी को लगता है 1996 में जोशी जी ने उनके खिलाफ एक साजिश की जिससे जिसके तहत उनको गुजरात छोड़ना पड़ा, उन्होंने उनकी बड़ी और एक ज़माने में जोशी जी के कुछ वीडियोस भी निकलने की चर्चा थी और क्या ये वीडियोस भी मोदी जी के किसी आदमी ने प्लांट करवाए थे। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और यही तो मैं कह रहा हूँ आरएसएस संगठन मजबूत, हमेशा टीम की बात की जाती है लेकिन वहाँ भी व्यक्तिवाद चलता है और मोदी जी और जोशी जी में जो दुश्मनी है वो यहां तक आ गई कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और जैसे आपने कहा श्रीपद नाइक जो मेरे गोवा से मंत्री हैं उनके जो सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी कुछ पोस्टर लगाते हैं हैप्पी बर्थडे जोशी जी, प्रधानमंत्री कार्यालय ये पहले छानबीन करता है किसने लगाए, फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तुरंत, और जितने भी मंत्री जो थे जो जोशी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गए उनको वार्निंग दी गई कि इसके बाद आप इन व्यक्ति के साथ नहीं दिखेंगे। अब देखिए जोशी जी अपने आप में एक जमाने और नागपुर के बहुत करीबी थे, यानी आरएसएस भी उनको बचा नहीं पाया एक तरह से। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।